नजुम यानी हॉरोस्कोप जिसको एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा दिलचस्प और आसान इल्म है जिसकी मदद से किसी जिसकी मदद से हम प्रोफेशन का एक इंतखाब कर सकते हैं जिसे अपनी पैदाइश तारीख मालूम है उसे अपनी राशि मालूम हो सकती है और जिसे राशि मालूम हो सकती है उसे अपना सितारा भी मालूम हो सकता है तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य जिसे सूरज और सन कहते हैं तो उन लोगों के क्या प्रोफेशन हो सकते हैं उन लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन मौजूद रह सकते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं आज शम्स यानी सूरज कामयाब करता है उन लोगों को जो बादशाह सदर पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का मेंबर, वजीर मजिस्ट्रेट क़ानूनदान सिविल सर्विस का आदमी हो अगर शम्स अच्छी जगह है जहाँ दसवें घर से उसकी नजरात व ताल्लुक़ साध हैं तो ऊपर वाली लाइनों में उसकी कामयाबी का राज मुजम है कमर उन लोगों को कामयाब करता है जैसे लेडीज़ में हो अगर तो नर्स मिडवाइफ़ या फिर जौहरी जेवेलर्स मोतियों के कारोबार बेशकीम दहातों का व्यापारी नीज़ गवर्नमेंट से मतलब मसूफियात रखने रखते हों इसी तरीके से मरीख यानी मंगल उन लोगों को कामयाब करता है जो सिपाही मुजाहिद यानी फौजी बड़ई, मैकेनिक पैमाइश करने वाला कैमिस्ट वकील कानूनदान बैंकर्स कमांडर इंश्योरेंस एजेंट और कसाब का पेशा अख्तियार करें अतारत जो है वो बुध के दिन का हाकिम है और इसकी जो राशि के ताल्लुक से है तो शिमला और जूजा जैसे जेमनी करते हैं और तो आज जानते हैं इन लोगों के लिए कौन से इन लोगों को कामयाब करता है जो मौलिम टीचर रियाजी दान मुसनफ़ पब्लिशर सेक्रेटरी बुक सेलर अकाउंटेंट और इंश्योरेंस एजेंट का काम करने वाले इसी तरीके से गुरु जिसे मुश्तरी कहते हैं और इसका जो स्टार इस दिन है वो जुमेरात है मतलब गुरुवार तो इन लोगों के लिए इन लोगों को कामयाब बनाता है जो मजहबी आदमी हो कानूनदान कौंसिलर जज मुतालिम और अवामी आदमी हो या अपने आला तालीम के ज़रिए आम लोगों की खिदमत करने का पेशा इख्तियार करें इसी तरीके से शुक्र जिसे जहरा कहते हैं उर्दू में इसका जो है खासियत जो है शादी ब्याह के मामला से म्यूज़िक और इस तरीक़े के मामला से इसका ताल्लुक है तो इसके जो लोग रहते आर्टिस्ट म्यूजिशियन एक्टर परफ्यूमर्स ज्वेलर्स शराफ परोश मुख्तार कुल मुख्तार और मुशीर यानी ख़ास इलमियों और जहनी काबिलियत में होशियार हूँ उनको कामयाब बनाता है शनि जिसके जहल कहते हैं उर्दू में और इन लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन कौन से पेशे मौजू रहते हैं तो इन लोगों के लिए मुख्तफ़ किस्म के ऐसे पेशे जिम्मे जिसमें ज़िम्मेदारी से वास्ता हो जैसा मातहती कलर की कारखाने के मज़दूर कंपोज़िटर हॉकर्स जारूफ़ फ़रो जारूफ़ कश ने झाड़ू वग़ैरह मारने वाले ये सब जहल के मातेहत आते हैं तर, इसी की तरह के मालूम के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए